तो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों बाइक टैक्सी अब दिल्ली में नहीं चलेगी, अब कंप्लीटली बैन हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी ने बकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया था अग्रीगेटर्स को, जैसे कि ओला, उबर और रैपिडो, इन सारी कंपनियों को एक नोटिस देके कहा गया था कि जो आप अपनी जो फ्लीट में टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दिल्ली में, वो आप इमीडिएटली बंद कर दीजिए। आप बाइक टैक्सी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं दिल्ली में, क्योंकि ये मोटर व्हीकल 1988 का उल्लंघन करती है। जी हाँ, तो फिर क्या हुआ दोस्तों, इन सारी कंपनियों ने अब अपनी जो ये सेवा दे रहे थे टू व्हीलर का, तो वो अभी फिलहाल के लिए दिल्ली में बंद हो चुकी है। तो दोस्तों एक बार बंद होने के बाद अब दिल्ली सरकार की आंख खुली है। जी हाँ दोस्तों, तो वो कैसे, एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने पाया कि जहां पे बस, ट्रेन, मेट्रो, ऑटो ये सारी चीजें नहीं जा सकती है, वहां पे बाइक टैक्सी इजीली जा रही थी और अच्छे से ऑपरेट हो रही थी। इसका मुख्य एक ही कारण है दोस्तों कि लोगों को एक तो टाइम सेविंग हो जाता था और पैसा भी सेव हो जाता था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही किफायती है बाइक टैक्सी। अगर आप दूसरे ऑटो में या तो कैब में जाएंगे तो आपको उसका ट्रिपल अमाउंट देना पड़ेगा जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, वहीं पे सेम चीज आप बाइक टैक्सी से भी कर सकते हैं। आप बाइक टैक्सी बुक करके आप आराम से जिस डेस्टिनेशन जाना होता है आप जा सकते हैं, और बहुत ही कम पैसे में आप अपना ट्रैवलिंग कर सकते हैं, टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स दिल्ली सरकार ने अब रिपोर्ट में देखी है, और एक बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि अब हम बाइक टैक्सी को अलाउड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये अगर आप बाइक टैक्सी चला रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि दिल्ली सरकार अब इसके ऊपर विचार कर रही है, और जल्द ही बहुत ही नए नीति नियम के अनुसार बाइक टैक्सी वापस ऑपरेट करेगी राजधानी दिल्ली में। तो दोस्तों आइए चलिए देख लेते हैं कि ये नए नियम क्या है बाइक टैक्सी चलने के। तो ये नए नियम ऐसे हो सकते हैं दोस्तों कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी ने कहा था कि यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का बड़ा इश्यू है पैसेंजर के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप बाइक ड्राइवर हैं तो आपको यहाँ पे जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है, आपको लगाना पड़ सकता है। तो ये तो हो गई एक पहली बात सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। सेकंड, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है या तो बाइक है, तो आप सब लोगों के लिए खुशखबरी ये है दोस्तों कि दिल्ली सरकार अब आने वाले जो ये नीति नियम है उसमें अब इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को इजीली लाइसेंस दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है या तो इलेक्ट्रिक बाइक है तो आप एज अ बाइक टैक्सी रन कर सकते हैं, आप आराम से बाइक टैक्सी चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो दूसरा जिक्र किया है कि कंपनियों को भी कह दिया है कि अगर आप अब न्यू ज्वाइन करवा रहे हैं, जो फ्लीट में जो बाइक ज्वाइन होगी वो ज्यादातर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ज्वाइन करवाना है। तो इनिशियली ये फर्स्ट लेवल पे आपको 25% तो आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए, देन नेक्स्ट लेवल में 50% और कुछ समय जाने के बाद आपके पास 100% व्हीकल होने चाहिए जो इलेक्ट्रिक से रन करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों एक नया नियम जो लागू होगा कि नहीं होगा, इस पे पूरा अभी विचार विमर्श हो रहा है। तो दोस्तों तीसरा, अब दिल्ली सरकार लाइसेंस देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पहले लाइसेंस नहीं था इन ऑपरेटर्स के पास बाइक टैक्सी रन करने का, तो दिल्ली सरकार अब बाइक टैक्सी चलाने का लाइसेंस देगी ओला, उबर और रैपिडो को। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें भी अब बहुत जल्द ही इन एग्रीगेटर्स को लाइसेंस मिल सकता है। तो दोस्तों चौथा, अगर आप बाइक टैक्सी चलाना चाहते हैं तो दोस्तों अभी तक क्या होता था कि आप व्हाइट नंबर प्लेट पे ही आप एज अ कमर्शियल चला रहे थे ये बाइक टैक्सी, तो अब दिल्ली सरकार आपको अब येलो नंबर प्लेट कन्वर्ट करके आपको परमिट दे सकती है बाइक टैक्सी चलाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना,
ये भी एक नया नियम आ सकता है कि आप जो ये व्हाइट कलर का जो नंबर प्लेट है उसको कन्वर्ट करवा लीजिए कमर्शियल में, यानी कि येलो नंबर प्लेट आप लगवा लीजिए और आपको बाइक टैक्सी चलाने की परमिट मिल जाएगी। तो ये भी एक नया नियम आ सकता है। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल दिल्ली सरकार बाइक टैक्सी को परमिट देने के लिए संशोधन कर रही है, तो बहुत ही जल्द ही नए रूल्स के साथ बाइक टैक्सी दौड़ने लगेगी राजधानी दिल्ली की सड़कों पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही, तो मिलेंगे अगले नॉलेजफुल वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों आप सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।